नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्स साक्षी इलेक्ट्रिक। तो आपके सामने ये वॉशिंग मशीन का ये मोटर रखा हुआ है, जो वाश वाला मोटर है जो कपड़े को धोता है। तो ये इसमें दिक्कत आ गई है, ये जल चुका है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत हो ना समझ में आए तो कमेंट करिए और लाइक करिए। तो इसे हम खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे जला हुआ है। देखिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन का ये वाश मोटर है, वाश साइट का, इसे हमें खोलना है और इसका पूरा रिवाइंड करना है। ये तीन तार इसके हैं, इसे खोल लेंगे और दिखाएंगे कि किस कंडीशन में ये जला हुआ है। देखिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन का ये वाश मोटर है जो कपड़े को धोता है, ये पूरी तरह जल चुका है। इसकी रिवाइंड पूरा करना पड़ेगा। तो अब इसे हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये पूरा खुल चुका है, इसके चार रिपीट लगे हुए थे चारों ओर, तो उसे हम काट लिए हैं और इसे निकाल दिए हैं। देखिए दोस्तों, पूरा काला हो चुका है, दो तीन कॉयल पूरे काले हो चुके हैं। तो इसे हम पूरा निकालेंगे बाहर, कॉयल को बाहर निकालेंगे और इसे फिर से रिवाइंड करेंगे, इसी डाटा से रिवाइंड करेंगे। इसका डाटा आपको दिखाएंगे और इसको भरेंगे, तार को किस नंबर से तार भरेंगे वो भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, दो ढक्कन इसके हुए हैं, ये इसमें बीच में ये छल्ला लगा हुआ था, तो इसे हम संभाल कर रखेंगे। ये बीच में लगा हुआ था, इसके ऊपर सॉफ्ट बैठता है, तो इसे हम अभी संभाल कर रख देंगे। ये ऊपर का पार्ट है, स्टेटर है, देखिए दोस्तों ऊपर का स्टेटर है ये। तो दोस्तों, इसे हम कॉयल को बाहर निकालते हैं, रिपीट है दोस्तों, इसे हम काट लिए हैं। कंपनी जो बना कर देती है तो रिपीट लगा देती है, तो अब इसे हम काटेंगे, काट कर निकाल कर आपको दिखाते हैं। इसमें पेपर भी लगा लेंगे। अब ये दोस्तों, हमने ये कॉयल इसका बाहर निकाल दिया है, इसमें पेपर भी लगा दिया है। पेपर लगा कैसे लगाते हैं दोस्तों, उसका अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो ये दोस्तों इसका डाटा है, स्टेटर साइज है दोस्तों 1 इंच, और पूरा गोलाई जो होता है स्टेटर का वह है 3 इंच। देखिए दोस्तों, इसका मोटाई जो है 1 इंच है, 1 इंच दिखा रहा है। इसका जो गोलाई है स्टेटर का वह है 3 इंच, पूरा गोलाई 3 इंच है। तो इसका हम डाटा नाप ले चुके हैं और इसमें जो तार भरे हुए थे दोस्तों रनिंग का, SW साइज का था 30 नंबर। इसके पीच थे दोस्तों 1 से 4 में 35 टर्न पड़े थे, 1 से 4 में 35 टर्न पड़े थे इसमें, 1, 2, 4 ऐसे दोस्तों 4 पिच थे और उसमें 35 नंबर 135 टर्न पड़े थे, और 1 से 6 में, ये 1 से 6 तक है, इसमें 200 टर्न पड़े थे। तो इसमें दो कॉयल के छल्ले बनने हैं, 4 के सेट हमें बनाने हैं 30 नंबर तार से। ये 30 नंबर तार है आपके सामने, तो इसे हम कॉयल को बना लेते हैं। फर्मे के साइज नापेंगे, फर्मे से बनाएंगे इसे। देखिए दोस्तों, स्टेटर हम नाप लेते हैं, फिर इसे हम कॉयल बनाकर आपको दिखाते हैं, फिर बताएंगे इसे कैसे भरना है। तो अब हम बना लेते हैं, ये हमने 4 कॉयल बना लिए हैं, 2-2 के सेट हैं ये, 4 कॉयल हमें 4 सेट भरना है, 2-2 को कॉयल, 2-2 कॉयल से। इस तरह हमारे दोस्तों 8 कॉयल बन जाते हैं। छोटे वाले में 135 है, इसमें 200 है, ऐसे ऐसे 4 हैं हमारे सेट। तो इसे हम इसमें भरेंगे, स्टेटर में, स्टेटर में हमें भरना है इसे। ये सामने आपके स्टेटर है, इसमें हम भर लेते हैं, इसमें हम भर कर आपको दिखाते हैं दोस्तों। भरते हुए ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे स्टेटर में भर कर आपको दिखाते हैं कि इसमें टर्न कैसे हुए थे, कितना भरा गया था।
इसे हम आपको दिखाते हैं, भर लेते हैं। सबसे पहले चारों कॉयल हम भर कर आपको मिलते हैं, वीडियो पर बने रहिए। अब ये हमने चार कॉयल भर लिए हैं, देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, एक से चार में भरे हैं, एक से छः में भरे हैं, 135 वाला एक से चार पिच है, 200 वाला एक से छः पिच है। अब हमारे ये तार निकल जाते हैं, तो तार का अब हम कनेक्शन आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने बहुत ही सारे तार हैं, चार कॉइल के आठ तार निकले हैं, जिसका हम कनेक्शन आपको दिखा देते हैं। यहाँ एक से हम स्टार्ट करेंगे, दो का छोड़ के तीसरे में हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, कॉइल के फर्स्ट तार को हम पकड़ेंगे और दूसरे के छोड़कर तीसरे में हम इसे जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, बीच वाला दूसरा छूट गया है, फिर हम उसे फर्स्ट में गिनती करेंगे। अब इसे हम छोड़ देते हैं फर्स्ट वाले, इसे भी। देखिए दोस्तों, अभी हमारा फर्स्ट हो चुका, फिर थर्ड में हम जोड़ देंगे, एक दो तीन, दो कर छोड़ के हमें तीसरे में जोड़ देना है। इस तरह से हम तार को जोड़ते हैं, कनेक्शन करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट वाला हम लेंगे, दूसरा वाला छोड़ देंगे, तीसरे में हम जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, इसी तरह हम इसका सारा कनेक्शन कर देंगे, चाहे आगे से जोड़िए, पीछे से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम जोड़ लेते हैं, इस पर हम पॉलिश लगा था, इसको पूरा छुड़ा लिए हैं पॉलिश को, फिर हमने आपको ये जोड़ कर दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, एक दो तीन, तो यहाँ से हमें तीसरे वाले में जोड़ देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगला वीडियो पाने के लिए। पीछे हम देखिए दोस्तों, दो तार हमें बाहर निकालना है, तो हम कहीं से भी दो तार छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास चार तार बचे हैं, तो इसे हम फर्स्ट थर्ड किसी को बनाकर जोड़ लेंगे, फिर दो तार बच जाएंगे, दो तीन, तीसरे में हम जोड़ देंगे। तो हम लीड निकाल लेंगे, जगह हमारा लीड का तार आना है, उसे हम देखकर इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने अब इसका कनेक्टर कंप्लीट कर चुका है, आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब इसे हम इसका स्टार्टिंग का डाटा दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, स्टार्टिंग का भी 30 नंबर से भरा जाएगा और टर्न और पिच सेम रहेंगे। देखिए दोस्तों, एक से चार में 135 पड़ा है, एक से छः में 200 पड़ा है, जैसा कि रनिंग में भी पड़ा है। तो इसे हम एक ही डाटा से डालेंगे तार को, क्योंकि मोटर को दोनों साइड चलना है, वास मोटर दोनों साइड चलता है, इसलिए हम इसे एक ही सा डाटा से तार को भरेंगे। तो हमने ये कॉइल भी तैयार कर लिया है उसी डाटा से, 135 का एक है, 200 का एक कॉइल है, इसको भी हमने चार सेट में तैयार कर लिया है। तो इसे हम स्टेटर में भरकर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टेटर है, इसे हम भर लेते हैं पहले। अब ये हमने इसे टेप लगा लेना है पहले, इस पर हम पहले टेप लगा लेते हैं, कॉटन टेप है ये, इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बीच में दोनों कॉयलों के बीच में टेप लगा रहेगा तो शॉर्टिंग का दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये हमने चारों कॉयलों पे टेप लगा लिया है, अब ये लग चुका है टेप। अब हम इसमें चारों कॉयल को भर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। चारों कॉयलों को पहले हम डालते, अब ये हमारा चारों कॉयल पड़ चुका है, रनिंग का भी, स्टार्टिंग का भी, रनिंग का भी चार सेट हमने डाल दिया है, स्टार्टिंग का भी चार सेट डाल दिया है।
कनेक्शन सेम रहेंगे 1 से 3 में, जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं। अभी हमने पूरा कंप्लीट कर चुका है। इसमें हमें लीड जोड़ना है, लीड निकालेंगे बाहर के लिए, सेंसर लगाएंगे। अब हमारे पास 4 तार बचते हैं, 2 स्टार्टिंग के 2 रनिंग के। ये हमारे पास सेंसर है जो कि ज़्यादा हीट अप होने पे कट ऑफ हो जाएगा, मोटर को जलने से बचाता है। ये 3 तार हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, तो इसे हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 रनिंग का 1 स्टार्टिंग का कनेक्ट कर लिया है। लेफ्ट साइड से हमने 1 रनिंग 1 स्टार्टिंग का तार आपस में कनेक्ट कर लिया है। अब इसमें हम सेंसर लगा देंगे। राइट साइड का 1 रनिंग 1 स्टार्टिंग तार बचा हुआ है, उसमें हम येलो तार वाइट तार लगा लेंगे। अब इसे हम सेंसर को कॉमन वाले में कनेक्ट कर देंगे। तो हम इसे कॉमन वाले में लगा लेते हैं सेंसर को, और इसे हम दोनों कॉइलों के बीच में, और 1 तार इसमें रेड लगा लिया है। अब ये हम देखिए दोस्तों कॉमन का इसमें लगा दे रहे हैं सेंसर में, जो कि 1 कॉमन 1 स्टार्टिंग से लिए हैं 1 रनिंग से लिए हैं। दोनों को कनेक्ट करके हमने सेंसर से जोड़ देना है। सेंसर को दोनों कॉइलों के बीच में हमें रखना है। अब ये हमने तार को अच्छी तरह उसमें लपेट दिया है, थोड़ा टाइट कर लेंगे, जो बड़ा रहेगा उसे काट कर निकाल देंगे। उसे बाहर निकालने के बाद हम इसे दोनों कॉइलों के बीच में इसे बैठा देंगे। देखिए दोस्तों सेंसर किस तरह से हम फिट कर रहे हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। वाइट का है, इसे भी हम रनिंग के या स्टार्टिंग में कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मोटर दोनों तरफ चलने वाले हैं, तो इसे हम रनिंग में लगा लें, स्टार्टिंग में लगा लें, कोई भी कलर कहीं भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। बस रेड वाला कॉमन में रहेगा हमारा। तो इसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत हो दोस्तों, समझ में ना आए तो कमेंट करें। नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से कि अगला वीडियो पढ़ने कौन सा वीडियो पढ़ने वाला है। और वीडियो को सब्सक्राइब करें। अब इसे हमने लपेट लिया है, इसे मोड़कर एक बार और लपेट लेंगे। पूरी अच्छी तरह लपेटना है इसे। इसका थोड़ा सा हम निकिल छुड़ा लेते हैं, स्लिप लगा लेंगे, स्लिप लगा लेंगे दोनों में छोटे छोटे। फिर इसे हम कनेक्ट करेंगे। इसे बांधना कैसे है, वार्निश करना है, फिटिंग करना है चालू करके, आपको पूरा कंप्लीट वीडियो में मिल जाएगा। अब ये हमने 1 तार रनिंग में जोड़ लेना है। ये वाश मोटर है, वाशिंग मशीन का वाश मोटर, जो कि पूरी तरह जल चुका है। इसे हमने खोलकर तार को इसमें भर दिया है। ये हमने इसमें 1 तार लगा लिया, देखिए दोस्तों पूरी अच्छी तरह इसमें लपेट लेना है, पूरी अच्छी तरह इसे लगाना है। ये हमने पीला वाला 1 लगा लिया, 1 वाइट हम लगा लेंगे। ये हमने वाइट भी इसे लगा लेना है। सेंसर आपके सामने लग चुका है दोस्तों। इसके डाटा हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको।
इसमें दोस्तों रनिंग के 30 नंबर तार से 135 104 पिच में रहेगा, 200 106 के पिच में रहेगा, 135 टर्न 104 पिच में रहेगा, 200 के टर्न 106 के बीच में रहेगा। सेम वैसे ही स्टार्टिंग के भी पड़ जाएंगे 30 नंबर से 104 के टर्न 104 के पिच में 135 के टर्न रहेंगे, 106 के पिच में 200 के टर्न रहेंगे। तो दोस्तों आप डाटा के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे हम स्लिप चढ़ा लेंगे, सभी जॉइंटों पे स्लिप चढ़ा लेंगे, इसे हम अच्छी तरह सिलाई करेंगे, इसे वार्निश करेंगे, सब चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, इसे चलाकर भी दिखाएंगे। ये दोस्तों हमारा डाटा है, हम अपने डाटे से इसे भर चुके हैं। ये हम सेंसर स्टार्टिंग के रनिंग के दोनों में के बीच में इसे फिट कर देना है, ताकि दोनों को कॉयलों के बीच में हीटिंग होती है, तो इसे हम वहीं पे लगाएंगे ताकि ज़्यादा हीट होने पे कट ऑफ कर दे। अब ये दोस्तों स्लीव है, स्लीव हम इसमें चढ़ा लेंगे, दोनों तारों में हमें लेना है, हमें तीन तार निकालना है बाहर, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग, तो हम सभी में स्लीव चढ़ा लेंगे। सभी में हम स्लीव डाल लेंगे और इसे बांधेंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में इसे हम आपको चलाकर दिखाएंगे, इसका सिलाई करेंगे, बांधेंगे, वार्निश करेंगे, सब कुछ करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप टेक्निकल से संबंधित सारी जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों नीचे रेड बटन का आइकन जरूर प्रेस करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। ये हमने स्लीव चढ़ा लिया है, एक तार और हैं उसमें भी स्लीव हम लगा लेते हैं। जो भी नए भाई हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमने तीनों में स्लीव चढ़ा लिया है, अब इसे हम रस्सी से हम धागे से बांधेंगे। बांधने के बाद आपसे मिलते हैं। इस तरह से हम लीड को बराबर से एक साइड निकालेंगे, ताकि बॉडी पूरी बैठ सके। तो इसे हम पूरा सिल लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। अब ये हमने पूरा इसको सिलाई कर लिया है, देखिए दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग से हुआ है इसका सिलाई। देखिए सारे दोनों साइड के हम सारे कॉइल को मिलाकर हमने सिल दिया है। अब इसे हम सीरीज से चेक करेंगे, कहीं शॉर्टिंग नहीं है, तार टूटा नहीं है, इसको हम देख लेंगे और सीरीज से चेक करते हैं। देखिए दोस्तों पूरा इसका सिलाई हो चुका है, बिल्कुल बराबर से, कोई भी इसमें तार इधर उधर नहीं है, पूरा बराबर से इसका सिलाई हो चुका है। अब इसे हम तीन तार हैं इसके, एक कॉमन, एक स्टार्टिंग, एक रनिंग, तो इसे हम सीरीज से चेक कर लेंगे, तीनों को हम सीरीज से चेक कर लेंगे और बॉडी से भी, कहीं बॉडी में शॉर्ट तो नहीं है। ये हमने सीरीज में लगा दिया है, अब हम एक एक करके हम तीनों में चेक करेंगे तीनों तार को। ये हमने किसी भी एक तार को हमें ले लेना है, पहले किसी भी तार में हम टच करेंगे, मान लीजिए वाइट से रेड में ये सही है, वाइट से बॉडी में ये भी सही है, वाइट से येलो में वो भी सही, बॉडी से भी सही है, किसी से भी बॉडी से टच नहीं है, तो ये हमारा बाइंडिंग कंप्लीट है।
कोई भी दिक्कत नहीं है इस बाइंडिंग में। अभी हमारा बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, इसे हम वार्निश कर लेते हैं। वार्निश करके हम इसे धूप में रख देंगे 2-3 घंटे, या फिर हीटर के सामने रख देंगे। ये वार्निश हमने इसे डालना है इस पर, तो इसे हम वार्निश करके और सुखा कर, ये कॉमन है, एक रेड, एक स्टार्टिंग है, एक रनिंग है, 3 तार हैं इसके, तो इसे हम वार्निश के बाद मिलते हैं आपसे। ये हमने देखिए दोस्तों वार्निश कर दिया है, पूरा सूख चुका है, पूरा ही ये वार्निश सूख चुका है। अब ये पूरा कंप्लीट है, इसे हम बॉडी में फिट करेंगे। बॉडी में कैसे फिट होगा ये भी आपको हम दिखाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। ये हमने इसके 4 नट अलग से लगाने हैं, पूरा कंप्लीट वाइंडिंग है। ये हमें इसका बॉडी है और ये 4 नट हैं जो कि हमने रिपीट की जगह लगाना है। रिपीट ये 1 टाइम के लिए होता है, ये रिपीट है, कंपनी के द्वारा लगा हुआ था। अब इसके जगह हम नट को लगाएंगे। देखिए दोस्तों हमने 4 नट ले लिए हैं जो कि स्टील के हैं, जंग लगने वाले नहीं हैं। इसे हम चारों को खोल लेते हैं और इसे हम बिठाएंगे, इसमें पूरा फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे। अभी हमने फिटिंग करना है इसमें। सबसे पहले हम नीचे के बॉडी में बैठाएंगे, इसमें हमें छल्ला डालना है, वो डाल लिया है, जो कि बहुत ही ध्यान देना है इस बात पर। ये हमें 3 तार बाहर निकालना है, तो इसे हम पहले बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं, नीचे वाले ढक्कन में इसे हम फिट करेंगे। ये छल्ले हैं, इसे हम रख देते हैं अभी, इसे बाद में ध्यान से हमें लगा देना है। ये हमें 3 तार ले लिया है, यहाँ से हमें निकाल देना है। यहाँ से हमने इसे निकाल दिया। अब इसे हमें इसमें बराबर से बिठा देना है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल बराबर बैठेगा, क्योंकि सबके साइज एकदम बराबर बने हुए हैं। ये हमने बराबर से बिठा दिया है, बैठ गया है पूरा, बराबर से इसमें बैठ गया। तार भी पूरा निकल चुका है, इसमें हमने छल्ले डाल दिए। अब ये ऊपर का हमने भाग इसमें बैठाना है, तो ये पूरा सेट लगा हुआ है, इसे हमें खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे भी हमें बिठा देना है इसमें। ये पूरा बैठ चुका है। अब इसमें हमें नट बोल्ट टाइट कर लेना है, पूरा 4 नट इसमें बराबर से टाइट कर लेना है। ये 4 हमें इसमें लगा देंगे, थोड़ी सी अभी से हमने फिट कर लिया है, नट को पूरा टाइट कर लेते हैं। अभी से हमने टाइट कर लिया है पूरा, 4 नट को हमने टाइट कर लिया है। अभी से हम आपको चलाकर दिखाएंगे, इसे हमें चालू करके दिखाना है आपको। पूरा फ्री चल रहा है, कोई भी यहाँ पे टचिंग का कोई भी दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। ये 3 तार हम मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करेंगे, कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, तो इसे हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं। इसमें हमें बस कॉमन पता करना है, क्योंकि
इसमें दोनों ही रनिंग है। एक बार रनिंग स्टार्टिंग बनेगा, एक बार स्टार्टिंग रनिंग बन जाएगा, क्योंकि रिवाइंड उसी तरीके से हुआ है। ये मल्टीमीटर का हम यूज करेंगे, इसे हम सेट करेंगे कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी पे हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ से हम पता करेंगे कौन सा कॉमन है, जिस पे ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा दोस्तों वो हमारा कैपेसिटर का रहेगा। जिस तार से हमें दोनों का बराबर में दिखाएगा वो कॉमन रहेगा। कोई भी एक तार ले लेते हैं हम, हमने ये वाइट ले लिया है, वाइट से हम येलो में लगाते हैं। तो यहाँ पे वाइट से येलो में लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा रीडिंग दिखाता है 126 दिखाता है, यहाँ पे हमारा रीडिंग दिखाता है 66 दिखा रहा है। अब हम दोस्तों येलो से ले लेते हैं, येलो से हम देखते हैं, येलो से भी हमारा 65 दिखा रहा है, येलो से रेड, येलो से वाइट देख। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा, अब रेड से देखते हैं, रेड से हमारा दिखा रहा है 65 66। तो दोस्तों हमारा 65 66 दिखा रहा है, ये दोनों हमारा रनिंग स्टार्टिंग है और रेड हमारा कॉमन हो गया। इस तरह से हम कॉमन का पता कर लेंगे। तो हमें इन दोनों में हम कैपेसिटर लगा देंगे तो कॉमन हमारा रेड बन जाता है। इसे हम कैपेसिटर से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर इसे हम आपको चलाकर दिखाते हैं। दोनों साइड हमें चलाकर दिखाएंगे। ये हमने 4 का कैपेसिटर ले लिया है, इसमें 9 9.5 का कैपेसिटर लगेगा। हमें चेक करने के लिए 4 का ले लिया है। हम यहाँ पे वाइट में येलो में कैपेसिटर को लगा लेते हैं। रेड वाला हमारा कॉमन है, वहाँ पे हमारा डायरेक्ट सप्लाई रहेगा। ये हम कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले सीरीज से हम चेक करेंगे, ये हमने कनेक्ट कर चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप काम करें तो टेप लगाकर काम करें, हमने ये टेम्परेरली आपको दिखा रहा है तो आप बहुत ही सावधानी से यहाँ पे काम करें। अब यहाँ पे हम सीरीज के माध्यम से चेक करेंगे, सीरीज से ही पहले चेक करेंगे कि रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम कॉमन से एक लेंगे, एक तार कैपेसिटर के किसी भी छोर से लगा लेंगे, रेड से लगा लिए, हाँ येलो से लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हिला है, थोड़ा सा ही हिल रहा है क्योंकि सीरीज में है हमारा सप्लाई। अब इसे हम डायरेक्ट राइट से चलाते हैं। हम लाइट से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों पूरी स्पीड में चल चुका है, पूरा स्पीड में चल रहा है। इसे हम थोड़ा सा टाइट लगाते हैं और पकड़ लेते हैं क्योंकि स्टैंड पे है नहीं। तो इसे हम पहले तार को इसमें जोड़ लेते हैं, फिर इसे लगाते हैं लाइट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। अभी हमने कनेक्ट कर चुका है, ये हमने कनेक्ट कर लिया। दोनों साइड हम चलाकर दिखाएंगे आपको। तार को दूर दूर कर लेते हैं। अभी इसे हम मेन सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसे हम चलाते हैं। अब ये चल चुका है, देखिए दोस्तों बहुत ही फ्रेश चल रहा है, कोई भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल स्पीड में चल रहा है।
अभी दोस्तों ये चल रहा है लेफ़्ट साइड में, अभी से हम कनेक्शन को बदलते हैं, अब हमें राइट साइड में चलाना है जो कि टाइमर चलाता है, एक बार लेफ़्ट एक बार राइट कपड़े धुलते समय, तो इसे हम एक बार राइट साइड चलाते हैं। ये हमने तार चेंज कर दिया है कैपेसिटर का, अब ये राइट साइड घूमेगा। अब ये दोस्तों राइट साइड घूम रहा है, बिल्कुल बढ़िया स्पीड में घूम रहा है। अभी हमारा मोटर कंप्लीट हो चुका है, देखिए दोस्तों पूरा ही कंप्लीट हो चुका है ये मोटर, देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्पीड में चल रहा है। इस तरह से आप मोटर का रिवाइंड कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें, इस डाटा से बेटेंशन भरें। दोस्तों ये देखिए हमने पूरा चेक करके दिखा चुका है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब ये हमारा वॉशिंग मशीन में लगा देना है और तार को हम टाइमर से कनेक्ट कर देंगे, अब बराबर काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों धन्यवाद।